हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। ये सब बातें झमेला है, झूठा खेला है। सच तो यह है कि संसार के लोग या तो वासना का प्रेम करेंगे, या तन का प्रेम करेंगे, या धन का प्रेम करेंगे, पर हमारे एक माधव हैं जो तन के भूखे नहीं, धन के भूखे नहीं, ये तो केवल मन के भूखे हैं। प्रेम करना ही है तो गोपाल से करो, ठाकुर जी से करो। और दूसरी बात, आजकल प्रेम के चक्कर में राम 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 राम, राम, राम। माता पिता की अवहेलना कर देते, भला बुरा कह देते, धन्य है ऐसे बेटा और बेटियों पर हमें बड़ी देख करके शर्म आती है कि ऐसे बालक ऐसी बालिका होते हुए मर जाए तो अपने बाल अपने माता पिता के खिलाफ जाकर के अपने जीवन को बसाते हैं किसी काम के। अरे जिन्होंने 20 साल तुम्हारे लिए खपाया, करोड़ों रुपए तुम्हारी नौकरी के लिए पढ़ाई पर खर्च किया, कपड़े दिए, बर्तन दिए, और आज तुम अपनी लाइफ सेटलमेंट के नाम पर 4 दिन में ही नाता तोड़कर भाग गए। क्या माता पिता का घर होटल है कि तुमने खाया पिया और तुम्हारा मन दूसरी जगह हो गया तो तुम भाग गए? माता पिता धरती के भगवान है, और जो माता पिता की अवहेलना करके जिंदगी जीता है वो कभी प्रसन्न नहीं रहता। इसलिए माता पिता की आज्ञा मान करके ही रहना चाहिए। जितने भी युवा यहां बैठे हैं सुनो, ये मोबाइल और चैटिंग और सेटिंग किसी की ना हुई है ना हो सकती है। प्रेम करना ही है, तुम ठाकुर से करो। ये सच्चा प्रेम है, ये मगरूरी है, इसमें तुम पड़ जाओगे तो बिखरोगे नहीं, निखर जाओगे। दूसरी बात, युवानों से प्रार्थना है, संसार के लोग सिर्फ नाटक करेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन हमारे गोविंद नाटक नहीं करते, हमारे गोविंद तो लीला करते साक्षात। हम आपको एक कथा बताते हैं। एक राजा की पुत्री थी, उसका नाम था बैराग्यवती। क्या नाम था? बैराग्यवती। बड़ी ज्ञानी, बहुत ध्यान, बहुत गुणज्ञ, हमेशा बैराग्य में रहती थी। राजा ने बहुत समझाया, नहीं मानी। अंततो गत्वा राजा ने गांव के बाहर उसका मकान बना दिया, एकांत में भजन करो वहीं रहो। दुनिया में नाते भी उसी के बनते हैं जिसके पास कुछ हो, रिश्ता भी उसी से बनता है जिसके पास कुछ हो, या तो रूप हो या धन हो, और रूप हो या ना हो यह फर्क नहीं पड़ता, यह होना चाहिए। जेब गर्म हो, धन होना चाहिए। संसार में धन का बड़ा खेल है, लेकिन हम तुमसे कहें कितना भी तुम जिंदगी भर धन धन कर लो, बाद में जब 13वीं का कार्ड लिखता है तो उसमें निधन ही लिखता है। कितना भी कर लो धन धन धन, लेकिन जब महाराज वो कार्ड लिखता ना सफेद सफेद, उसमें लिखते हैं अमुक अमुक व्यक्ति का निधन हो गया, बिना धन के हो गया। धन क्या है? धन तो केवल गोविंद का नाम है। तो बैराग्यवती देवी भी भगवान के प्रेम में पागल, इसलिए उनका कोई नाता नहीं। संसार के लोग कोई प्रेम नहीं करते, साफ अवहेलना करते, दूर रखते, दूर रहो दूर रहो, ऐसे लोगों को दूर ही करते हैं। लेकिन धन है बैराग्यवती। आहा, एक दिन बैठी बैठी अपने घर पर बैठी बैठी ठाकुर जी को याद करके आंखों में आंसू भरकर रो रही थी। हे सरकार, आप नहीं मिल रहे तो कोई गुरु जी मिल जाए, आप नहीं हो तो कोई गुरु जी। एक चोर मकान के पीछे सुन रहा था, इनको गुरु की आवश्यकता। चोर ने सोचा ये बढ़िया उपाय है, बाबा जी बन जाओ। बाबा जी बनकर चोर आया, देवी जी पानी पीना है, बैराग्यवती पानी लेने गई, पानी लाई, लीजिए महाराज बहुत अच्छे पधारे, हम आपको प्रणाम करते हैं, जल पीजिए। रुको रुको रुको, क्यों हम जल नहीं पिए? क्यों? एक बात बताओ, आपने दीक्षा ली? दीक्षा दीक्षा तो हमने नहीं ली, तो हम पर ऐसे जल नहीं पीते हैं, जो दीक्षा लो उसी के घर पे जल पी। महाराज आप प्यासे मत रहो, दीक्षा दे दो। दीक्षा? देखो बैरागियों की दीक्षा घर में नहीं होती, जंगल में हो, जो भी सोना चांदी है ले चलो,
चोर था डकैत। अच्छा एक बात है, बाबा बनना तो सरल है, बाबा होना बहुत कठिन है। बाबा बनना कौन सा कर, बनना तो सरल है, माला पहनो, तिलक लगाओ, बढ़िया भगवान रंग के कपड़े पहन लो, बन गए बाबा जी। घर में भाई खटपट सो चल बाबा के मठ पर, घर में भाई खटपट सो चल गुरु के मठ पर, गुरु ने काटी चोटी सो मांग खा बेटा रोटी। गुरु ने काटी चोटी मांग खा बेटा रोटी, यही बाबा है बस इतनी। लेकिन संत होना बहुत कठिन है, संत स्वभाव का नाम है। बैरागवती को वो चोर जंगल में ले गया, पेड़ से बांध दिया, तो बैरागवती ने कहा गुरुजी ये क्या है, बोले दीक्षा है पेड़ से बांधने वाले। पेड़ से बांध दिया, सारा सामान सोना चांदी लिया, और सुनो आंखें बंद करो, अब जब तक हम ना कहें तब तक खोलना नहीं, गुरु आज्ञा है जो महाराज आज्ञा। और चोर सारा सामान लेके चला गया, 2 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, दिन भर हो गए, गुरुजी नहीं आए, 2 दिन हो गए, पिताजी ढूंढते ढूंढते जंगल में गए, बेटी यहां क्यों बंधी हो, लाओ हम खोल दें, क्या हुआ, पिताजी छूना मत, गुरुजी ने बांधा है, जिनका बंधन है वही खोलेंगे। बेटी कोई चोर डकैत होगा, लूट ले गया तुम्हें, सामान ले गया, कोई गुरुजी नहीं है, ऐसे गुरुजी होते हैं, पिताजी हमारे गुरुजी को भला बुरा मत कहो, हमारा बंधन तो वही खोलेंगे, आप तो छूना मत। आहा, अब बड़े परेशान पिताजी, अंत तो गत्वा समझाते समझाते थक गए, वापस चले गए। लेकिन बैरागवती ने नहीं खोलने दिया, आप खोलोगे हम प्राण त्याग देंगे। भगवान ने नारद जी को भेजा, नारद जी आप ही कोई उपाय करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बैरागवती क्यों बंधी हो, गुरु जी ने बांधा है, लाओ खोल दें, वो तो चोर है डकैत है। नहीं महाराज, वो जैसे भी हैं हमारे गुरु जी हैं, और हम नहीं खुलवाएंगे। देखो देवी हट नहीं करते, मान जाओ बात, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं मानी बात, अगर आप खोलेंगे तो हम प्राण त्याग देंगे। क्यों, ये गुरु की ही तो कृपा है, ना गुरु जी हमें बांधते ना आपके हमें दर्शन होते। आप 3 दिन में आ गए, ये कम है क्या। नारद जी बोले वो तो ठीक है पर प्राण चले जाएंगे। बोले भले ही चले जाएं पर गुरु की वाणी पे हमें भरोसा है, आएंगे गुरु जी। नारद जी बोले वो कहां आएंगे, वो तो कहीं और जाएंगे। नारद जी वापस भगवान के पास गए, बोले अब आप ही चलो। भगवान विष्णु आए बैरागवती से, बोले देवी वो तो चोर था डकैत था, वो आदमी ठीक नहीं था जो तुम्हारे गुरु जी, हम भगवान विष्णु हैं, हमारे दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, लाओ हम तुम्हारा बंधन खोल दें। बोले आप आए भगवान, हम प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं, आप बहुत अच्छे आए, लेकिन हमारा बंधन आप नहीं, हमारे गुरु जी ही हमारा बंधन खोलेंगे। ऐसी दृढ़ता देखकर भगवान भी चौंक गए, वाह ऐसा क्यों, महाराज ये गुरु जी की ही तो कृपा है कि 7 दिन में हमें आपके दर्शन हो। नारद जी बोले अब महाराज, भगवान बोले ढूंढो इनके गुरु जी को, कहा कि इनके गुरु जी कहां मिलेंगे, भगवान बोले कहीं चोरी कर रहे होंगे, और कहे कहां मिलेंगे, कहीं पर देख रहे होंगे, ताक रहे होंगे कि किस घर में डेरा डाले, ढूंढो। नारद जी ने ढूंढा सो सच में एक मकान के पीछे छिपे बैठे चोरी के दाव में। नारद जी पीछे से आए नारायण नारायण, सो चौंक गए, कहा भाव, अरे महाराज चलो वो तुम्हारी शिष्या बंधी हुए तो खोलो। कौन शिष्या, अरे वो तो भगवान बुला रहे तुम्हें, चोर बोलो हमें और भगवान, हम इतने निकृष्ट आदमी जिंदगी भर चोरी की, हमें भगवान बोले तुम्हारी शिष्या के कारण तुम्हें भगवान बुला रहे, चलो। चोर आया लज्जा के मारे नीचे सिर डाले, भगवान बोले खोलो, तब उसने हाथ में बैरागवती, हम आ गए, जय हो गुरु जी, बंधन खोला, प्रणाम किया गुरु जी को, भगवान को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बैरागवती कहने लगी गुरु गोविंद दो खड़े मैं काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए।